वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है कोलोसल। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और इस मूवी की शुरुआत होती है सियोल के एक पार्क में, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की रात में अपना डॉल ढूंढ रही थी। और उस समय उसे दिखता है कि एक भयानक सा मॉन्स्टर सिटी के बीचों बीच चल रहा था। और 25 साल बाद मूवी का प्लॉट न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है। ग्लोरिया पार्टी करके बहुत लेट रात में घर पर वापस आती है और उसका बॉयफ्रेंड टिम उसके इस बिहेवियर से बहुत परेशान हो गया था। जब से ग्लोरिया को नौकरी से निकाल दिया गया था वो तब से हर रात पार्टी करती है और दिन भर अपार्टमेंट में बैठी रहती थी। और टिम को इतना गुस्सा आता है कि वो ग्लोरिया के बैग पैक करके उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है। और अब ग्लोरिया के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती और इसीलिए वो अपने बचपन वाले घर में चली जाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और उसके घर पर कोई फर्नीचर भी नहीं होता। और इसीलिए पहले दिन उसे फ्लोर पर सोना पड़ता है और फिर अगले दिन वो अपने घर के लिए मैट्रेस दिखती है। और रास्ते में उसे अपना पुराना दोस्त ऑस्कर मिलता है और ऑस्कर उसे अपना बार दिखाता है और उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। और ग्लोरिया दोबारा से ड्रिंक करना शुरू करती है और ऑस्कर अपने दोस्तों को बताता है कि ग्लोरिया स्कूल में हमेशा राइटिंग कंपटीशन जीतती थी। और तभी ग्लोरिया कहती है कि उसने अब फिक्शन लिखना छोड़ दिया है और अब वो मैगजीन आर्टिकल्स लिखती है। और जब बीच में ऑस्कर ड्रिंक लाने के लिए जाता है तब ऑस्कर का एक दोस्त ग्लोरिया को किस कर लेता है और ये देखकर ऑस्कर को बहुत अजीब लगता है। और उसके बाद ग्लोरिया को चलकर ही घर जाना पड़ता है। और जब वो घर पहुंचती है तो वो सीधा सो जाती है। और नींद में ग्लोरिया को एक बहुत भयानक सपना आता है और वो अपने सपने में एक छोटी बच्ची होती है और वो जंगल में अकेली होती है। और तभी ग्लोरिया को एक फोन कॉल आता है और उसकी नींद खुल जाती है। और ग्लोरिया को उसकी बहन ने सियोल से कॉल किया होता है और उसकी बहन उसे कहती है कि सियोल में मॉन्स्टर का हमला हुआ है। और ग्लोरिया अपना लैपटॉप खोलती है और देखती है कि ये भयानक मॉन्स्टर सियोल में तबाही मचा रहा था। और फिर ग्लोरिया टीम को कॉल करके सियोल के अटैक के बारे में पूछती है और टीम उससे कहता है कि ग्लोरिया को ये न्यूज इतनी लेट क्यों मिली, जबकि ये इंसिडेंट 9 घंटे पहले हुआ था। और टीम समझ जाता है कि ग्लोरिया ने फिर से पूरी रात बार में बिताई थी। और टीम उसे कहता है कि उसे अपने एडिक्शन के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। और फिर ग्लोरिया रात में फिर से बार जाती है और बहुत ड्रिंक करती है। और बार से निकल कर वो अपने एलिमेंट्री स्कूल के प्लेग्राउंड में जाकर वही बेंच पर सो जाती है। और सुबह उसकी आँख खुलने पर वो टीम को कॉल करती है और टीम को दोबारा से समझ आ जाता है कि ग्लोरिया ने पूरी रात बार में ही बिताई थी। और इस वजह से टिम तुरंत ही फोन को कट कर देता है। और जब ग्लोरिया अपने घर जाती है तभी ऑस्कर उसके लिए एक पुराना टीवी लेकर आता है और ऑस्कर उसे बताता है कि सियोल में फिर से मॉन्स्टर आया था, मगर इस बार मॉन्स्टर ने वहाँ पर कोई भी तबाही नहीं की, बल्कि वो एक ही जगह पर खड़ा रहकर हाथों से कुछ साइन बना रहा था। और ऑस्कर बताता है कि ये मॉन्स्टर हर सुबह 8 बजे कुछ तोड़फोड़ करता है और इस मॉन्स्टर को पहली बार 25 साल पहले देखा गया था। और उसके बाद ऑस्कर ग्लोरिया से पूछता है कि क्या उसे याद है कि उन्होंने पिछली रात क्या बात की थी। और ग्लोरिया को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि वो नशे की हालत में थी। दरअसल में पिछली रात ग्लोरिया ने ऑस्कर को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और अपने ब्रेकअप के बारे में बताया था और ये सुनकर ऑस्कर ने उसे बार में एक जॉब ऑफर की थी। और ग्लोरिया उस जॉब को एक्सेप्ट करती है और ऑस्कर को हग करती है। और तभी ग्लोरिया ये नोटिस करती है कि टीवी में जो मॉन्स्टर है वो उसी की तरह सिर खुजा रहा था। और उसके बाद ग्लोरिया बार में काम करना शुरू कर देती है और वो टीवी पर मॉन्स्टर की फुटेज देखती है और ये देखकर हैरान होती है कि मॉन्स्टर बराबर उसी की तरह फोन पर होता है जैसे ग्लोरिया सुबह प्लेग्राउंड में थी। और दूसरी तरफ वो फुटेज में देखती है कि मॉन्स्टर कुछ उठाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि जब ग्लोरिया अपना मैट्रेस उठा रही थी। और ये सब देख के ग्लोरिया परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी और मॉन्स्टर की मूवमेंट एक जैसी कैसे हो सकती है। और एक दिन ग्लोरिया अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में जाती है और प्लेग्राउंड और सियोल में कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करती है। और वो प्लेग्राउंड में 8:05 में जाती है और एक जगह पर खड़े होकर वो अपना हाथ उठाती है और घर जाकर वो देखती है कि उस मॉन्स्टर ने भी वैसा ही किया था। और ये देखकर ग्लोरिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर है। और एक दिन वो बार में काम कर रही थी और वो ऑस्कर और गार्ड्स को बताती है कि शायद से वो मॉन्स्टर को कंट्रोल करती है। और ग्लोरिया ऑस्कर उसके दोस्तों को उसी प्लेग्राउंड में ले जाती है और फिर वो लोग सियोल का लाइव वीडियो कनेक्ट करते हैं और ग्लोरिया प्लेग्राउंड के बीचों बीच खड़ी होकर डांस करने लगती है। और ऑस्कर उसके दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं जब मॉन्स्टर भी वैसा ही कर रहा होता है। और फिर सियोल के ऑफिसर मॉन्स्टर पर मिसाइल शूट करते हैं
जिसके वजह से ग्लोरिया को भी दर्द होने लगता है। और फिर ग्लोरिया मजाक में हवा में पंच करना शुरू करती है और फिर सियोल में मॉन्स्टर उसी पंच से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, जिसमें हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो जाती है। और ये सुनकर ग्लोरिया सीधा जमीन पर गिर जाती है और उसके बाद उसकी आँख सीधा उसके घर में खुलती है और वो टीवी में देखती है कि सियोल में कितनी ज्यादा तबाही हो चुकी है। और ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ सच बता देगी। ऑस्कर उसे न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें दिखाया होता है कि एक रोबोट मॉन्स्टर भी अचानक आ गया था और वो रोबोट मॉन्स्टर ऑस्कर था। और वो रोबोट मॉन्स्टर तब सामने आया जब ऑस्कर प्लेग्राउंड में ग्लोरिया को नीचे गिरने से बचाने के लिए गया और फिर उन्हें पता चलता है कि सिर्फ वो दोनों ही प्लेग्राउंड में जाकर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। और तभी ग्लोरिया को एक फ्लैशबैक आता है 25 साल पहले का। स्कूल में एक दिन ग्लोरिया और ऑस्कर प्रोजेक्ट लेकर जा रहे थे और उनका प्लेग्राउंड तब एक कंस्ट्रक्शन साइट होता है। और फिर मूवी का प्लॉट दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ग्लोरिया और ऑस्कर एलिमेंट्री स्कूल के बेंच पर बैठे होते हैं। और फिर ग्लोरिया सुबह के 8:05 में उस ग्राउंड के बीचों बीच जाकर कोरिया में आई एम सॉरी लिखती है और लिखती है कि मॉन्स्टर कभी भी वापस नहीं आएगा। और सियोल में मॉन्स्टर भी एग्जैक्टली वैसा ही करता है और वहाँ के सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं। और फिर ग्लोरिया और ऑस्कर अपना काम बार में नॉर्मली कर रहे होते हैं और वहाँ पर ऑस्कर के दोस्त भी आए होते हैं और जॉयल उठ के वॉशरूम चला जाता है। और फिर ग्लोरिया आकर उसका एड्रेस पूछती है और वो दोनों रात में जॉयल के घर जाते हैं। और फिर ग्लोरिया सुबह उठकर देखती है कि सियोल में रोबोट मॉन्स्टर दोबारा से आ गया था। और ये देखकर ग्लोरिया जल्दी से प्लेग्राउंड में चली जाती है और प्लेग्राउंड में ड्रंक ऑस्कर अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और यही सब देखकर सियोल में रोबोट मॉन्स्टर भी वही सब कर रहा था। और ये सब देख के ग्लोरिया उसे रोकती है मगर ऑस्कर नहीं रुकता, जिस वजह से ग्लोरिया उसे थप्पड़ मार देती है। और उस रात वो लोग बार में काम कर रहे होते हैं और ग्लोरिया और ऑस्कर का मॉन्स्टर वाला वीडियो वायरल हो गया था जिसमें ग्लोरिया का मॉन्स्टर रोबोट मॉन्स्टर को थप्पड़ मार रहा था। और ये देखकर ऑस्कर को बहुत गुस्सा आता है और ग्लोरिया ने बहुत दिन से ड्रिंक नहीं किया था क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वो ड्रिंक करेगी तो वो ग्राउंड में चली जाएगी। और तभी ऑस्कर ग्लोरिया को धमकी देता है कि अगर वो ड्रिंक नहीं करेगी तो ऑस्कर प्लेग्राउंड में जाएगा। और ग्लोरिया बियर की बोतल को उठाकर उसमें से सारी बियर को फेंक देती है और ये देखकर ऑस्कर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर प्लेग्राउंड की तरफ निकल पड़ता है। और ग्लोरिया उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और दोबारा से ऑस्कर को बहुत गुस्सा आता है और ऑस्कर कहता है कि पहली बार उसकी लाइफ इतनी अच्छी हुई है और अब ग्लोरिया उसे भी छीनना चाहती है। और ये कहकर ऑस्कर वहाँ से निकल जाता है और फिर ग्लोरिया ऑस्कर का पीछा करती है और फिर वो दोनों दोबारा से 8:05 पर प्लेग्राउंड में होते हैं और वहाँ पर वो दोनों फिर से लड़ना शुरू करते हैं। और वहीं पर ग्लोरिया उसके जॉब को क्विट करती है जहाँ पर ऑस्कर उसे धमकी देता है कि अगर वो अगले दिन जॉब पर नहीं आई तो वो सियोल में एक पूरे नेबरहुड को खत्म कर देगा। और उसके बाद ग्लोरिया घर जाती है और उसे दोबारा से फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे याद आता है कि 25 साल पहले वो दोनों स्कूल प्रोजेक्ट लेकर स्कूल जा रहे थे और तभी वहाँ पर एक जोर से हवा का झोंका आया जिस वजह से ग्लोरिया का प्रोजेक्ट हवा में उड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया जहाँ पर उसके बाद प्लेग्राउंड बन गया। और तभी ऑस्कर ग्लोरिया का प्रोजेक्ट लाने के लिए फेंस के ऊपर चढ़ जाता है और तभी ग्लोरिया के घर की बेल बजती है जिस वजह से मूवी का प्लॉट वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। और ग्लोरिया देखती है कि उसके दरवाजे के बाहर जॉयल होता है और जॉयल ने ट्रक में भरकर बहुत सारा फर्नीचर लाया होता है और वो सभी चीज ऑस्कर की तरफ से होती है। और ग्लोरिया कंफ्यूज हो जाती है कि ऑस्कर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है क्योंकि कुछ ही देर पहले उन दोनों की लड़ाई हो गई थी और अब वो उसके लिए फर्नीचर भेज रहा था। और उसके बाद ग्लोरिया ऑस्कर के घर पर जाती है ताकि उसे समझ में आए आखिर हो क्या रहा है। और ऑस्कर का घर काफी गंदा होता है। ऑस्कर जैसे ही ग्लोरिया को देखता है वो रोने लगता है और वो ग्लोरिया से माफी मांगता है और वो ग्लोरिया से पूछता है कि क्या वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं। और ग्लोरिया कहती है कि सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर वो रात में ड्रिंक करना छोड़ देगा। और ऑस्कर उसकी बात को मान लेता है। और जब ग्लोरिया अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि जॉयल ने उसका पूरा घर ही सजा दिया है। और तभी ग्लोरिया को टिम कॉल करता है और कहता है कि वो काम के सिलसिले में उसके एरिया में है और फिर ग्लोरिया उससे मिलने के लिए जाती है मगर ग्लोरिया को समझ आ जाता है कि टिम जलेसी के कारण उससे मिलने के लिए आया है। जहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होती है और टिम ग्लोरिया की इंसल्ट करता है ये कहकर कि वो एक वेट्रेस है। और जब
जब ग्लोरिया वहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी टिम उसे सॉरी कह देता है और उसके बाद वो उसे बार तक छोड़ने के लिए आता है और वहीं पर टिम और ऑस्कर मिलते हैं। और तभी ऑस्कर टिम से पूछता है कि बार में सबसे इर्रेस्पॉन्सिबल चीज क्या होगी और टिम कहता है कि उसे नहीं पता। और तभी ऑस्कर बहुत बड़ा सा फायर क्रैकर लाकर बार के बीचों बीच जला देता है जिस वजह से सारे कस्टमर्स भाग जाते हैं और पूरे बार में सिर्फ धुआं ही धुआं होता है और चेयर में आग लगने लगती है और टिम वहाँ से निकलने का फैसला करता है और वो ग्लोरिया को कहता है कि वो उसके साथ चले मगर ग्लोरिया उसे मना कर देती है क्योंकि ग्लोरिया को पता था कि अगर वो ऑस्कर के साथ में बार में नहीं रुकी तो वो अगले दिन सियोल को खत्म कर देगा। और टिम तभी ग्लोरिया से कहता है कि वो अगले दिन निकल रहा है और वो अगले दिन तक उसका वेट करेगा। और उस रात ग्लोरिया अपने शिफ्ट के बाद घर जाती है और घर जाकर बहुत डर जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके काउच पर ऑस्कर बैठा होता है और वो कहता है कि वो उसके घर इसलिए आया है ताकि वो टिम के साथ जा ना सके। और तभी ग्लोरिया को समझ नहीं आता कि वो आखिर में क्या करे और वो काउच में बैठकर सोचने लगती है। और तभी उसे दोबारा से फ्लैशबैक आता है और उसे याद आता है कि उसका प्रोजेक्ट बचाने के लिए ऑस्कर फेंस के उस पार चला गया था और ग्लोरिया का प्रोजेक्ट सियोल का एक मिनी मॉडल होता है और ऑस्कर को ग्लोरिया का प्रोजेक्ट झाड़ियों में मिलता है। और इतने ही देर में ग्लोरिया भी फेंस को पार कर लेती है और वो देखती है कि ऑस्कर उसका प्रोजेक्ट बचाने के बदले उसका प्रोजेक्ट को तोड़ रहा था। और ग्लोरिया को बहुत गुस्सा आता है और उसके गुस्से की वजह से आसमान में बिजली अट्रैक्ट होती है और ग्लोरिया के सिर से खून निकलने लगता है और वो बिजली ऑस्कर पर पड़ जाती है। और तभी ऑस्कर के हाथ में रोबोट होता है और ग्लोरिया के हाथ में एक छोटा सा टॉय मॉन्स्टर और यही दोनों टॉय सियोल के असली मॉन्स्टर्स थे। और ग्लोरिया को समझ आता है कि ऑस्कर खुद से नफरत करता है और उसे जेलेसी थी कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग है और ग्लोरिया की लाइफ कितनी अच्छी है। और उसी वक्त ऑस्कर और ग्लोरिया को समझ आता है कि अब 8:05 होने वाले हैं और ऑस्कर प्लेग्राउंड की तरफ जाने के लिए उठ खड़ा होता है और ग्लोरिया उसे रोकती है और उसे चेयर से बांध देती है और उसके बाद बुक शेल्फ को गिरा देती है मगर वो ऑस्कर को नहीं रोक पाती और ऑस्कर प्लेग्राउंड के लिए निकल पड़ता है और ग्लोरिया उसका पीछा करती है। और एक बार फिर से वो दोनों प्लेग्राउंड में होते हैं और इस बार ऑस्कर ग्लोरिया को बहुत पीटता है। और जब ग्लोरिया घर पर आकर देखती है तो वो देखती है कि जो मैप उसने सियोल के प्लेग्राउंड का बनाया था वो अब उल्टा हो चुका था। और फिर ग्लोरिया जल्दी से गाड़ी में एयरपोर्ट जाती है और सियोल पहुंच जाती है और मॉन्स्टर के लोकेशन पर जाती है। और दूसरी तरफ ऑस्कर देखता है कि ग्लोरिया घर पर नहीं है और वो ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और प्लेग्राउंड के बाहर उसका वेट करने लगता है। और 8:05 पर ऑस्कर प्लेग्राउंड के अंदर जाता है और दूसरी तरफ ग्लोरिया सियोल में मॉन्स्टर के लोकेशन पर होती है और ग्लोरिया सियोल में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी अचानक से सियोल का मॉन्स्टर ऑस्कर के सामने आ जाता है और ग्लोरिया ऑस्कर को उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।